महाराष्ट्र की सियासत में अब शंकराचार्य की एंट्री हो गई है। शंकराचार्य ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के घर पहुंचे, पूजा पाठ किए, उसके बाद से उनका बयान जो निकलकर सामने आया महाराष्ट्र की सियासत को गर्मा के रख दिया। दरअसल उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है, ये बात शंकराचार्य ने कही। शंकराचार्य ने कही कि उद्धव ठाकरे के साथ जो पार्टी तोड़ा गया शिंदे और उनके लोगों के द्वारा, जो विधायक तोड़े गए, जो सरकार तोड़ी गई, उस बातों को लेकर उन्होंने कहा कि धोखा हुआ और महाराष्ट्र के लोग ये जानते हैं और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में लोगों का मिजाज जो है वो बदला और उद्धव ठाकरे के प्रति लोगों की सहानुभूति दिखाई पड़ी। सोशल मीडिया पर अब उनके बयानों की चर्चा हो रही है। शंकराचार्य हैं, मुंबई पहुंचे हुए थे मुकेश अंबानी की शादी में, बेटे की शादी में, उस शादी से हमारों से लौटने के बाद वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के आवास पहुंच गए, वहाँ पूजा पाठ हुआ, उसके बाद सबको आशीर्वाद दिए। फिर मीडिया भी वहाँ पहुंच गए और मीडिया से बातचीत के दौरान जो शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी, इनका जो बयान है वो निकल के सामने आया है और इनके बयान में कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है। विश्वासघात करने वाले हिंदू हो ही नहीं सकते हैं। शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी का यह बयान है और उनके बयानों को सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जो है वो ट्रॉल किया जा रहा है। आपको बता दें कि कई लोग हैं वो लिख रहे हैं कि शंकराचार्य पूज्य स्वामी जी के उपस्थिति में उद्धव ठाकरे जी के आवास पर पूजा अर्चना हुआ, शत्रु का नाश होने वाला है बस थोड़े दिन और, ये इस तरीके की बातें कही जा रही है। और उनके आने की कई सारी तस्वीरें उद्धव ठाकरे के परिवार के द्वारा उनका पूजन करते हुए दिखाया जा रहा है, उनका स्वागत करते हुए दिखाया जा रहा है और इस बीच पूरे परिवार के साथ जो है वो बैठे हुए हैं, जगत गुरु के तस्वीरें निकल के सामने आ रही और इसके बाद उनके बयानों को लेकर चर्चा है कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ और विश्वासघात करने वाले हिंदू हो ही नहीं सकते हैं। ये शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी का जो बयान है उनके बयानों को हर जगह सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है। जब तक उद्धव ठाकरे पुनः मुख्यमंत्री नहीं बन जाते तब तक मैं शांत नहीं रहूंगा, जगत गुरु। इसी इंडिया एलायंस ने बोला था कि हिंदू धर्म डेंगू मलेरिया है, तब आप किधर थे, तुम्हारे अंदर एक भी धर्म गुरु के लक्षण नहीं है, तन्मय श्रीवास्तव लाला जी हैं, ये इस तरीके से सवाल भी उठा रहे हैं। दूसरी तरफ तमाम जो लोग हैं वो शंकराचार्य के बयानों का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं, लेकिन दर शंकराचार्य के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत के साथ साथ जो बीजेपी खेमा है वो काफी नाराज दिख रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।